लगाना चाहिए, घर में इनका जो शौचालय है या जो भंडार घर है वहां पे ये बागुआ लगा सकते हैं, तो उससे भी किसी हद तक ये समस्याओं से निजात पा सकती हैं। दूसरा, द्वार पर विंड चाइम्स हो गई, क्रिस्टल बॉल्स हैं, उनका भी ये प्रयोग कर सकती हैं। और उसका रोकने का एक दूसरा जो तरीका है जिसको पैरामिड्स हैं, ये भी इसमें बड़े सहायक होते हैं, नेगेटिव ऊर्जा को पॉजिटिव ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, या कहें कि जब किसी पिरामिड से जो नेगेटिव ऊर्जा जो इसमें प्रवेश करती है उसको पूर्ण हद तक ये धनात्मक ऊर्जा को संग्रहित करके परावर्तित करते हैं धनात्मक ऊर्जा के अंदर। चलिए, मैं कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। आपने जिक्र किया पाकुआ और बागुआ का, मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों के लिए नाम बहुत नए हैं। यंत्र आपने बताया है कि यंत्र होते हैं, तो इन यंत्रों को कहाँ से लिया जा सकता है? देखिए, किसी भी वास्तु जो विक्रेता है या फेंग शुई जो विक्रेता है, वस्तु के विक्रेता है, वहाँ से सब जगह आज के लिए बड़े प्रचलित है। और ये जो यंत्रों का जो निर्माण हुआ, हमारी प्राचीन जो वास्तु विज्ञान है उन्हीं को आधारभूत लेके भी यंत्र बने। हम लोग चाहे तो कुछ ऐसे हमारे यंत्र भी होते हैं देवी देवताओं के जो वास्तु दोष निवारक होते हैं, बाधा का निराकरण करते हैं, तो उनको भी मुख्य द्वार पर लगाते हैं। जैसे कुछ लोग द्वार पर लगाते हैं, आपने देखा होगा जो घोड़ा होता है, काला घोड़ा, उसकी नाल भी लगाते हैं, वह भी नेगेटिव ऊर्जा का जो है प्रवेश घर में आने से रोकता है। तो ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो आपने जो पाकुआ और बागुआ के बारे में कहा, ये हमारे जो यंत्र हैं, जो यंत्र का मतलब होता है ऐसा उपकरण जिसमें शक्ति संहित रहती है, इसके अंदर त्रिकोण, मूल त्रिकोण, षटकोण इत्यादि होते हैं, भूपुर होते हैं, तो यह एक ऊर्जा का, शक्तिशाली ऊर्जा का केंद्र होता है जहां से बाहर से आने वाली नेगेटिव ऊर्जा को यह पॉजिटिव ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है या उसको अवशोषित कर लेता है। बाहर से आने वाली नकारात्मक ऊर्जा को यह अपने अंदर शोषित कर लेता है, वहीं यह ध्वस्त कर देता है उस ऊर्जा को। जी, तो ये भिन्न भिन्न जगह पे इसको सब जगह आज पर मिलते हैं। जी जी, पंडित जी आपने पिरामिड का भी जिक्र किया है, पिरामिड के बारे में बताया, पिरामिड है क्या और कैसे काम करता है? देखिए, पिरामिड का जो इतिहास है वो काफी प्राचीन काल से, लगभग 2500-3000 साल से पिरामिड का जो उपयोग चला है। पहले मिस्र के अंदर इसके अंदर जो शव रखे जाते थे सुरक्षित करने के लिए, जो उनके ऐसे व्यक्तियों के या राजा महाराजों के जो शव थे या ऐसे खाद्य पदार्थ, बहुत सारी ऐसी दुर्लभ वस्तुओं के संरक्षण के लिए इनका निर्माण हुआ। तो ये क्या होता है, त्रिकोण स्वरूप में होते हैं, इनकी चारों तरफ की जो त्रिकोणात्मक आकृतियां वो समभाग में होती हैं, इनके प्रकार और आकार भिन्न भिन्न हो सकते हैं, तो इनकी ऊंचाई और जो इनके जो प्रकार हैं वो कम या ज्यादा हो सकते हैं। तो मेन जो पिरामिड होता है उसका जो महत्व है कि हम अगर इसको, वैज्ञानिकों ने बहुत शोध किया है, बाहर से आने वाली यह जो नेगेटिव ऊर्जा है उसको ये पॉजिटिव ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, और इसके अंदर जो नेगेटिव ऊर्जा पॉजिटिव होकर वो संग्रहित रहती है, काफी दिन तक वो संग्रहित बनी रहती है। अगर इनमें हम किसी विषय वस्तु को रखते हैं, जैसे खाद्य पदार्थ को रखते हैं, तो उनका जो गुणवत्ता है वो बहुत दिनों तक बनी रहती है, स्थिर रहती है, वो खराब नहीं होते। बहुत सारे जो इसके अंदर यंत्र उपकरण अगर रखे जाएं तो वो भी उनको काफी दिन तक बिना चार्ज किए वो अपना प्रयोग कर सकते हैं, वो चार्ज उनका बना रहता है। तो इसका जो प्रयोग है वो भी बाहर से आने वाले विषैले बाणों को रोकने के लिए करते हैं। अगर इनको मुख्य द्वार लगाएं या भूमिगत इसको लगाएं बाहर से आने वाले विषैले बाणों के लिए, उनका उत्सर्जन रोकने के लिए, जब घर में विषैले बाणों से जो नेगेटिव ऊर्जा आएगी इनसे होकर वो परिवर्तित हो जाएगी धनात्मक ऊर्जा में, जी। तो इसको हम बाहर से आने वाले नेगेटिव ऊर्जा को रोकने के लिए और जो घर के अंदर नेगेटिव ऊर्जा है उसको पॉजिटिव में करके और पॉजिटिव में भी संग्रहित कर सकते हैं, उसको वो ज्यादा समय तक वो स्थिर रहे। जी। पंडित जी, क्रिस्टल बॉल क्या होती है? क्रिस्टल बॉल एक बिल्लोरी पत्थर का, एक डायमंड कट का, एक गोल गेंद के आकार का, उसको क्रिस्टल बॉल के नाम से हम लोगों ने संज्ञा दी है। तो इसको क्या होता है कि इसमें जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो उनको विभक्त कर देता है, सतरंगी उसको रेनबो बनाता है, तो ये विभक्त हो जाए, ऊर्जा को भी ये विभक्त कर देता है, इस पे पड़ने वाली जो भी नकारात्मक ऊर्जा है उसका विखंडन कर देता है, और इस पे जो धनात्मक ऊर्जा होती है, जो प्रकाश होती है, तो उसको ये फैला देता है, इसका ये परिवर्तन करता है।
एक स्थान की जो धनात्मक ऊर्जा है ये सारे कक्ष में उसको फैला देगा। तो ये क्या होता है कि आरोग्यता के लिए बहुत अच्छा होता है, उस जो धनात्मक ऊर्जा है उसको ये प्रभावशाली बनाता है, उसको ये विकास करता है, विकसित करता है एक तरह से। जी बिल्कुल पंडित जी, आप हमारे स्टूडियो में आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी और अब वक्त हो चला है आप सबसे भी इजाजत लेने का। नमस्कार। इलायची, खजूर, मिश्री, वाह सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। जिनकी शौर्य से घबराई दुनिया, जिनकी जटाओं में समाई दुनिया, किससे जिनके हैरत अंगेज पराक्रम, उनका हंगामा खेल, रहस्य रोमांच और आध्यात्म की अनूठी मिसाल, देखिए नागा सोल्जर्स ऑफ शिवा आज रात 8 बजे समाचार प्लस पर। शेक पिएगा पर बनाएगा कौन? कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक, ना मिक्सर ना ब्लेंडर, बस पानी डालो मिलाओ और तैयार। कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक, मैंगो चॉकलेट केसर बादाम और रोज फ्लेवर्स में। बहू मुझे लड़का ही चाहिए। अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई, और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ मुझे जी लेने दो, अपनी कसम मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। जब खाना खाने के बाद आप सब मीठा खा रहे होंगे, तब मैं रसोई में जाकर सारे बर्तन साफ कर दिया करूंगी। माँ मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करें, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी, तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना। मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखे। क्या सोच रही हूँ, घर चले? नन्ही परी के स्वागत की तैयारियां भी तो करनी है ना। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं, दूध से सादा पान मसाला। शुरू हो रहा है कुंभ का महासंग्राम, मैदान में उतरेंगे उत्तराखंड लॉयंस, महारथी डैरन क्लार्क, शक्तिशाली शंकर दास, चैंपियन चपचाई नीरा और महाबली मुकेश कुमार करेंगे यलगा उत्तराखंड लॉयंस।
बर्दाश्त करोगे तो हक नहीं मिलेगा, चुप रहोगे तो कोई नहीं सुनेगा, सोए रहोगे तो सब खो जाएगा। इसलिए लोकतंत्र में निभाइए अपना रोल, देखिए हल्ला बोल आंखें खोल। कार्यक्रम के दौरान हमारे इस टोल फ्री नंबर पर कॉल कीजिए और बन जाइए बदलाव की इस जंग का हिस्सा। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बड़ी खबरों पर बड़ी बहस और बड़ी चर्चा, देखिए अतुल अग्रवाल के साथ बिग बुलेटिन रात 8 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। महा कुंभ में आज मौनी अमावस्या का स्नान, आज 3 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान की उम्मीद, 8 बजे तक 2 करोड़ लोग कर चुके हैं स्नान। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल में भारी फेरबदल, नए मंत्रियों को सौंपी गई जिम्मेदारियां, पुराने मंत्रियों के विभागों में फेरबदल। सूबे में रातोंरात हुआ बड़ा प्रशासनिक बदलाव, 56 आईएएस और 60 आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर, शासन व्यवस्था में सुधार के लिहाज से उठाया कदम। उत्तराखंड में बीजेपी के नए अध्यक्ष बने तीरथ सिंह रावत, दिल्ली में आलाकमान की बैठक में लिया गया फैसला, बिशन सिंह चुफाल की जगह लेंगे रावत। यूकेडी की केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज, राज्य सरकार से समर्थन वापसी और केंद्रीय अध्यक्ष बदलने पर हो सकता है फैसला। कानपुर के जूही इलाके स्थित कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की 4 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू, लाखों के नुकसान की आशंका। मेरठ के थाना दहली गेट इलाके में पैसों की खातिर ससुराल वालों को पीटा, धारदार हथियार से किए गए हमले में 3 महिलाएं बुरी तरह घायल। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 22 फरवरी से शुरू होने वाले टेस्ट मैच के लिए आज टीम इंडिया का होगा चयन, सुरेश रैना, हरभजन सिंह और श्रीसंत की हो सकती है वापसी। कुंभ में आज दूसरा शाही स्नान है और इस स्नान को लेकर करोड़ों में श्रद्धालु जुट रहे हैं कुंभ नगरी में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। इस वक्त की अहम खबर कुंभ नगरी से, महानिर्वाणी अटल अखाड़े का स्नान खत्म हो गया है तो वहीं निरंजनी अखाड़े का स्नान भी खत्म हो गया है। 8 बजे तक 2 करोड़ लोग कर चुके हैं स्नान। जूना आह्वान अग्नि अखाड़े का स्नान जारी है और महाकुंभ में आज सबसे बड़ा शाही स्नान है और इस सबसे बड़े शाही स्नान के मद्देनजर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। 200 ब्लैक कैट कमांडोस कुंभ में तैनात किए गए हैं। महाकुंभ में आज सबसे बड़ा शाही स्नान है, महानिर्वाणी अटल अखाड़े का स्नान खत्म हो चुका है और निरंजनी अखाड़े का स्नान भी खत्म हो चुका है। इस वक्त जो ताजा में अपडेट मिल पा रहे हैं और 8 बजे तक 2 करोड़ लोग कर चुके हैं स्नान और अभी भी करीबन 1 करोड़ लोग और श्रद्धालुओं के आने की और संभावना जताई जा रही है। हम आपको सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं आस्था की नगरी कुंभ नगरी से, जहां पर करोड़ों में श्रद्धालु शाही स्नान में डुबकी लगाने के लिए जुटे हुए हैं। और आपको बता दें जूना आह्वान अग्नि अखाड़े का स्नान अभी जारी है। महाकुंभ में आज है सबसे बड़ा शाही स्नान और इस शाही स्नान के मद्देनजर सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। ब्लैक कैट कमांडोज को लगाया गया है और चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं कुंभ नगरी में। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं और साथ ही साथ आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं हम सीधे कुंभ नगरी से। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से एक बार फिर से कुंभ नगरी भक्ति के रंग में पूरी तरह से जुटी हुई है और आज का दिन तो और भी बेहद खास है क्योंकि आज शाही स्नान है और शाही स्नान में शामिल होने के लिए सभी अखाड़े एक एक कर बारी बारी से डुबकी लगा रहे हैं। और अब तक की अगर हम बात करें तो महानिर्वाणी अटल अखाड़े का स्नान
खत्म हो चुका है, निरंजनी अखाड़े का स्नान भी खत्म हो चुका है। आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े भी आपको बेहद चौंकाने वाले लगेंगे। 8 बजे तक 2 करोड़ श्रद्धालु साधु संत जो है अब तक